हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जू सफारी करने के बाद अब हम निकल जाते हैं ग्लास ब्रिज के तरफ। टिकट चेक करवाने के बाद हमारे लिए बस आती है जो ग्लास ब्रिज तक पहुंचाएगी। यहां तक पहुंचने में हमें आधा घंटा लगा। ये है नेचर सफारी का प्रवेश द्वार। इधर है एक बड़ा सा हाथ, ये बुद्ध भगवान को समर्पित है। और इधर से अभी हम आए हैं और अब अंदर जाना है। लेकिन हम सुबह से कुछ खाए नहीं होते हैं और भूख भी काफ़ी लग जाती है, तो हम सब खाते हैं पेटीज जो 40 रुपीज़ का एक पड़ता है। यहाँ का खाना बाहर के मुकाबले 2-3 गुना महंगा है। और अब हम जा रहे हैं नेचर सफारी के अंदर। यहाँ से जा रहे हैं हम ग्लास ब्रिज वॉक के लिए। यहाँ पर ग्लास स्काई वॉक, सस्पेंशन ब्रिज, जीप बाइक, जीप लाइनिंग, वॉक क्लाइंबिंग, राइफल शूटिंग वगैरह है, जिसका प्राइस भी यहाँ दिया हुआ है। ग्लास ब्रिज के लिए यहाँ से हमें ऊपर जाना है। बीच बीच में मैं एकदम से थक भी जाती हूँ। स्काई वॉक के लिए हमें इस तरह का सॉक्स दिया जाता है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। फाइनली हस्बैंड ब्लॉग में आ गए। इससे पहले ये वीडियो शूट करने में ही व्यस्त थे। मुझे तो यहाँ काफ़ी डर लग रहा था। एक तो ब्रिज इतने ऊपर था और सिर्फ दो रस्सी के सहारे था, और तो और ये हवा की वजह से हिल भी रहा था। नीचे खाई आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है। ब्रिज पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। डर लग रहा था कहीं ब्रिज गिर ना जाए। आप ये दो रस्सी देख सकते हैं, इसी के सहारे पूरा ब्रिज है। अब हम लोगों का टाइम भी ओवर हो गया था और सीटी भी बज गई थी, तो अब हम जा रहे हैं नीचे। इसकी सीढ़ियाँ भी गिलास की ही बनी हुई है। अब हम जाएंगे जीप लाइन के लिए। तो नीचे आकर जीप लाइन के लिए हम लेते हैं ऑटो। यहाँ आकर आपका तो सबसे पहले यहाँ के रास्ते को देख के ही दिल खुश हो जाएगा। दोनों तरफ से पहाड़ियाँ हैं और जंगल के बीचों बीच साफ सुथरा रास्ता। जीप लाइन के लिए यहाँ से टिकट मिलती है। हम सस्पेंशन ब्रिज भी जाने वाले थे, लेकिन उसमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जीप लाइन के लिए फिर से ऊपर जाना होगा। अब हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ कुछ लोग जीप लाइनिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर सभी फंस रहे थे। फिर उनको रस्सी से खींचा जाता है। ये सब देख के हस्बैंड और भाई ने तो मुझे मना कर दिया, लेकिन मुझे जीप लाइनिंग का बहुत शौक है, तो मैं कहाँ मानने वाली थी। तो सारे अस्त्र शस्त्र पहन के अब हम ये पहले वाले पॉइंट से ऊपर जाएंगे। वहाँ से जीप लाइनिंग करते हुए दूसरे पहाड़ पर, और फिर दूसरे पहाड़ से पहले वाले पॉइंट पर। इसकी भी ऊंचाई कम नहीं है, 10 मिनट तो ऊपर जाने में ही लगे। यहाँ एक छोटा सा स्तूप भी है। अब बस कुछ और देरी और अब हम पहुँच चुके हैं ऊपर। फाइनली मैं जीप लाइनिंग करती हुई नीचे जाती हूँ, लेकिन बीच में ही फंस जाती हूँ। जहाँ लोग नहीं अटकते थे, मैं वहीं लगभग 10 मिनट तक फंसी रहती हूँ। जबकि नीचे की तरफ ढलान भी था, इस वजह से हस्बैंड का वर्कर से बहस हो जाता है, क्योंकि वो मुझे रेस्क्यू करने में काफ़ी टाइम लगा रहे थे और आगे का वीडियो भी शूट नहीं हो पाता है। फाइनली राजगीर नेचर सफारी से हम बाहर निकल जाते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सोन भंडार, जरासंध का अखाड़ा, ब्रह्मकुंड वगैरह। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर। राधे राधे।